गले की कुछ बीमारियों की बात करूं, गले में कितनी भी खराब से खराब बीमारी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, इसकी सबसे अच्छी दवा है हल्दी। जैसे गले में दर्द है, गले में खराश है, गले में खांसी है, गले में कफ जमा है, गले में टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये सब बीमारियों में आधा चम्मच हल्दी लेना और मुंह खोलकर गले में डाल लेना। चम्मच में हल्दी भरना, अंदर गले में यहाँ डालना, जीभ पे नहीं, गले में, और फिर थोड़ी देर चुप होके बैठ जाना, तो ये हल्दी गले में नीचे उतर जाएगी लार के साथ, और एक खुराक में ही सब बीमारी ठीक होगी। दोबारा डालने की जरूरत नहीं। ये छोटे बच्चों को तो जरूर करना। ये बच्चों के टॉन्सिल जब बहुत तकलीफ देते हैं ना, तो हम ऑपरेशन करवा के उनको कटवाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, हल्दी से सब ठीक होता है। आगे चलें, गले और छाती से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं, जैसे खांसी। खांसी का एक इलाज तो मैंने बताया, हल्दी गले में डालोगे खांसी तुरंत बंद हो जाएगी, कितनी भी जोर की खांसी। दूसरी दवा है अदरक। अदरक तो समझते हैं, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में अदरक ही कहते हैं। ये जो अदरक है ना, इसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख लो और टॉफी की तरह चूसो, खांसी तुरंत बंद हो जाए। और जब किसी का खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ता हो, तो अदरक का रस ले लो, उसमें थोड़ा पान का रस मिलाना। पान तो समझते हैं जो हम खाते हैं, पान का रस, अदरक का रस, दोनों मिलाना एक एक चम्मच, और उसमें मिलाना थोड़ा सा या तो गुड़ नहीं तो शहद, और इसको गर्म कर लेना थोड़ा, फिर पी लेना। तो जिनको खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ता है, उनकी खांसी एक मिनट में ही बंद हो जाए। और एक अच्छी दवा है अनार, है ना, अनार, इसका रस पियो गर्म कर, अनार का रस गर्म करके पियो, खांसी तुरंत ठीक होती है। काली मिर्च है, गोल मिर्च, इसको मुंह में रख के चबा लो, पीछे से गर्म पानी पी लो, खांसी बंद हो जाए। काली मिर्च को चूसो तो भी खांसी बंद हो जाए। बहुत दवाएं हैं खांसी। आगे चले, छाती की कुछ बीमारियां, जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। ये तीनों बीमारियों का सबसे अच्छा है इलाज है गाय मूत्र। आधा कप गोमूत्र पियो सवेरे का ताजा ताजा, तो दमा ठीक होता, अस्थमा ठीक होता, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक होता। और गोमूत्र पीने से टीबी भी ठीक हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस। लगातार 5-6 महीने पीना पड़ता है। और खांसी के साथ, माफ करना, ये छाती के साथ जो दमा अस्थमा है, इसकी दूसरी एक दवा है दालचीनी, जो मैंने पहले बताया। दालचीनी या तो गुड़ के साथ लेना या शहद के साथ गर्म पानी से, ये भी ठीक कर देता है दमा। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।